ओके दोस्तों, यहाँ पे इकाई 3 के अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व जो हमारा अध्याय है, इसका जो एक वाक्य में उत्तर दीजिए वो हम देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखिए, न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मतलब न्यूटन बाय एम्पियर इंटू मीटर। दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तब इनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी? तो इसका आंसर है आकर्षण बल। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखिए, इसका सही आंसर है ये बी इज इक्वल टू म्यू, अब इसको भूल रहा हूँ मैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, ये जो भी आप देख लो, बहुत दिन हो गए फिजिक्स पढ़े, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये एक प्रश्न बैंक मिला है GPH का, वहाँ से बता रहा हूँ आपको एक शब्द के उत्तर। चौथा है, 99 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले धारा मापी में से मुख्य धारा का 10% प्रवाहित करना हो तो शंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो शंट का प्रतिरोध होगा ये 1/10 गुणा 99 भागित 1 - 1/10, ये आंसर होगा। फिर छठवां है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? तो इसका आंसर है कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसके द्वारा किसी मिश्रण में उपस्थित पृथक रासायनिक जातियों को पहले आयनिक करके आवेश किया जाता है और उसके फिर उनके द्रव्यमान और आवेश के अनुपात के आधार पर अलग अलग किया जाता है। तो समझ लेना क्या बोल रहे हैं, एक बार और इसको मैं कोशिश करता हूँ समझा पाऊँ अच्छे से। बोल रहा है कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसके द्वारा किसी मिश्रण में उपस्थित रासायनिक जातियों को पहले आयनिक करके आवेश किया जाता है और उसके बाद द्रव्यमान और आवेश के अनुपात के आधार पर अलग अलग किया जाता है। फिर नर्म लोहे की चुंबकशीलता अधिक होती है। प्रश्न था कि धारा मापी की कुंडली के बीच नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर है कि नर्म लोहे की चुंबकशीलता अधिक होती है, इस वजह से रखा जाता है। चलो आगे चलते हैं अगले चैप्टर पर। यह है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है तथा उसका स्वप्रेरकत्व कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना। विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरण को विद्युत जड़त्व कहते हैं। 2 प्रेरक कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1 व L2 हैं, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा? ये हो जाएगा 2L। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो वे उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा में क्या होगी? जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है जो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा में क्या होगी? प्रवाहित धारा की दिशा में होगी। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है जो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा में क्या होगी? प्रवाहित धारा की दिशा में होगी। चलो आगे चलते हैं। फिर किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 है तो एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा? 0 होगा। प्रतिघात का एसआई मात्रक ओम,
वाटहीन धारा का क्या अर्थ है? यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है तथा परिपथ का प्रतिरोध शून्य है तो परिपथ में प्रवाहित धारा तो प्रवाहित होती है किंतु परिपथ में ऊर्जा क्षय बिल्कुल नहीं होता है। परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, किस दशा में धारा वाटहीन होती है? इसका आंसर है PAV = 0।